लवर्स फूड ब्लेंडिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ ज़ाफ़रानी हलवा, और इसके लिए जो अज्जा मैंने लिए हैं उसमें मैंने 300 ग्राम सूजी लिए यहाँ पर, और इसे छान के साफ कर लिया है मैंने। और यहाँ मैंने 200 ग्राम शुगर ली है। कम मीठा जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून नारियल लिया है बारीक बारीक कटा हुआ, और यहाँ 2 टेबल स्पून ही मैंने कटे हुए बादाम लिए हैं, और 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने किशमिश ली है। किशमिश को भी धोकर मैंने साफ कर लिया है, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने पिस्ता लिया है। ये सब हम पकाते हुए हलवे में डालेंगे। और यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध लिया है तकरीबन आधा कप के करीब, और यहाँ मैंने ज़ाफ़रान ली है, और यहाँ मैंने तकरीबन 150 ग्राम घी लिया है, और ज़ाफ़रानी कलर लिया है हमने, और गार्निशिंग के लिए हमने तकरीबन 10-12 बादाम लिए थे, और उसे रात में हमने भिगो दिया था ताकि ये सुबह में इसका छिलका जो है आसानी से उतर जाए। और इस तरह से हमने ले लिया है। कुछ नारियल की मैंने ये पतली पतली सी काशे काट ली हैं, और यहाँ पे तकरीबन 2-3 टेबल स्पून किशमिश है, ये गार्निशिंग के लिए लिया है। यहाँ हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर जो है हम घी डालेंगे। हलवा घी में ही बनाएं, ऑयल इस्तेमाल ना करें। और यहाँ देखिए, ये हमने घी जो है गरम हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर सूजी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने मीडियम रखी हुई है क्योंकि सूजी जो है वो जले ना, और सूजी को आप इतना भूनेंगे हम कि इसमें से खुशबू आने लगे। और ये दूध के अंदर हम थोड़ी सी ज़ाफ़रान डाल लेंगे। थोड़ी सी ली है मैंने, अगर आपके पास ज़ाफ़रान ना हो तो आप जो ज़ाफ़रानी एसेंस आता है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 10-12 इसके जो तार या बाल जो भी कहने वो लिए हैं मैंने, और इसे मैं इसके अंदर भिगो दूंगी थोड़ी देर के लिए जब तक हमारी सूजी जो है वो भुन जाएगी। ये देखें, बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है इसमें से। और इसी तरह हम यहाँ पर ज़ाफ़रानी कलर के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। और ये दोनों चीजें जो हैं, जब हम सूजी में पानी डालेंगे उसी टाइम साथ साथ इन्हें यूज करेंगे हम। और यहाँ देखें, हमें तकरीबन 10-15 मिनट हमने इसे सूजी को भूना है दरमियानी आंच पे, और मुस्तकिल इसमें हम चमचा चलाते रहें ताकि सूजी जले नहीं। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे 1 गिलास। पूरा 1 गिलास पानी हमने अभी इसमें शामिल किया है, और अब साथ ही हम ये ज़ाफ़रान वाला दूध जो है ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही हम इसे कलर शामिल करेंगे। यहाँ हमने
क्वार्टर टी स्पून जाफरानी कलर लिया था और उसे पानी में घोल करके रख लिया था, उसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल किया। और अब हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे, चीनी हमेशा बाद में शामिल करें पानी मिलाने के बाद, और इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएं। और ये देखें आप, चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है इसमें, और इसमें इस तरह से आप चमचा चलाते जाएं, भूनते जाएं इसको। ये देखें बहुत ही प्यारा सा इसके अंदर येलो येलो कलर आ गया है जाफरान का। और अब साथ ही हम इसमें जो हमारे पास ये बादाम, पिस्ते, किशमिश और नारियल है, ये भी इसमें सारा डाल लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे भुनेंगे। इसे हम नॉर्मल आंच पर तकरीबन 10 मिनट भुनेंगे ताकि जो ये हमारा हलवा है घी छोड़ दे। और ये देखें हमने तकरीबन 10 मिनट के करीब इसे भुना है, 10-12 मिनट, और ये बड़ा अच्छा सा भुन चुका है। खुशबू भी आ रही है हलवे की भी, जाफरान की भी, बहुत जबरदस्त है खुशबू। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। और ये देखें आप कितना खिला खिला सा हलवा बना है ये, बिल्कुल ये बहुत ही जबरदस्त सा है। अब हम इसे गार्निश करते हैं। और यहाँ हमने थोड़ी सी जाफरान मजीद भिगोई थी तो वो हम इसे ऊपर से हम डालेंगे ताकि इसके अंदर खुशबू भी आए और ये पता भी चले कि ये जाफरानी हलवा है। और ये देखें व्यूअर्स, मजेदार सा हमारा जाफरानी हलवा बनके तैयार है और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसा बना, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें।